बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फोर के इंग्लिश के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर वन, पेज नंबर फाइव, यूनिट नंबर वन है थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड का मतलब है अल्लाह तेरा शुक्रिया। जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो उसे थैंक यू कहते हैं, और गॉड को थैंक यू कह रहे हैं यानी कि अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्रिया हम क्यों अदा कर रहे हैं? अल्लाह ताला का शुक्रिया हम इसलिए अदा कर रहे हैं क्योंकि इस लेसन के अंदर हमने अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों के बारे में बात कर ली है कि अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन सी नेमतें दी हैं और हमें उनके क्या फ़ायदे हैं। हम उन सब चीज़ों के लिए अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस लेसन के अंदर। सबसे पहले आपको जो पेज स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, आपकी बुक पर भी ऐसा ही पेज मौजूद होगा। आप इसको खोलें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे ऊपर जो मैंने एक रेड कलर का सर्कल किया है, इसके अंदर कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। इन लाइंस को स्टैंजा कहा जाता है। स्टैंजा, जैसे हम अपने चैप्टर्स के अंदर पैराग्राफ पढ़ते हैं, वैसे ही हम नज़मों के अंदर इस तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं जिसे हम स्टैंजा कहते हैं। ये फर्स्ट हमारा स्टैंजा है, उसके बाद नीचे वाली लाइन्स हमारा सेकेंड स्टैंजा होगा। सबसे पहले हम इस स्टैंजा में मौजूद इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास वर्ड है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। नेक्स्ट वर्ड है हेवेंस। हेवेंस का मतलब होता है जन्नतें, लेकिन आपकी नज़र में आसमानों के लिए भी हेवेंस का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका लफ्ज़ी मतलब कुछ और होता है, लेकिन जब उन्हें किसी और सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है तो वो थोड़ा सा अलग मतलब देते हैं। तो इसी तरीके से जो वर्ड हेवेंस है उसका मतलब जन्नतों होता है या जन्नतें होता है, लेकिन आपकी नज़म के अकॉर्डिंगली इसके अंदर हम इसको आसमानों की तरफ से इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब हम आसमानों कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है वीप। वीप का मतलब है रोना। नेक्स्ट वर्ड है लॉर्ड। लॉर्ड कहते हैं रब को, आका को, अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है ये। उसके बाद है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन ताकत। नेक्स्ट वर्ड है हेल्थ। हेल्थ मीन सेहत। उसके बाद है पॉकेट्स। पॉकेट्स का मतलब होता है जेबें। अगर पॉकेट होगा तो जेब हो जाएगी, अगर पॉकेट्स हो जाएगा तो फिर जेबें हो जाएगा। अब हम अपना स्टैंजा देखते हैं और उसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लाइन है थैंक यू गॉड। आप सब बच्चे बुक के ऊपर अपनी फिंगर रखें। जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है वही चीज़ आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है। आप सब साथ के साथ अपनी बुक के ऊपर फिंगर भी रखें और देखते जाएंगे वो वर्ड्स कहाँ पे लिखे हुए हैं और हम उन्हें कैसे पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लाइन है हमारी थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड, अल्लाह तेरा शुक्रिया। नेक्स्ट है एवरी नाइट बिफोर आई स्लीप। एवरी नाइट, एवरी नाइट कहते हैं हर रात को। बिफोर मीन पहले। आई स्लीप, आई का मतलब होता है मैं और स्लीप का मतलब है सोना। एवरी नाइट बिफोर आई स्लीप, हर रात सोने से पहले या हर रात जब मैं सोता हूँ उससे पहले। आई लुक अप टू हेवेंस एंड ट्राई नॉट टू वीप। आई लुक अप, मैं देखता हूँ टू हेवेंस आसमानों की तरफ एंड ट्राई और कोशिश करता हूँ नॉट टू वीप, ना रोने की। मैं ऊपर आसमानों को देखता हूँ और ना रोने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट लाइन है फॉर माई हार्ट इज़ फुल। फोर का वर्ड जो हम इस तरीके से लाइन के शुरू में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका वैसे तो मतलब कुछ और होता है। फोर का मतलब के लिए वगैरह के इस्तेमाल में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे फोर का मतलब है के मेरा दिल भरा हुआ है। माई हार्ट इज़ फुल, मेरा दिल भरा हुआ है, यानी कि ये किस तरह का भरा हुआ है, ये उस मायने में बात हो रही है। जैसे कहते हैं कि कोई किस बात को सोच सोच के उसने इतना उस बात को सोचा हुआ है कि उसका रोने को दिल कर रहा है। जब इंसान का बहुत ज़्यादा रोने को दिल करता है किसी बात की वजह से, तो हम कहते हैं कि दिल जो है वो भरा हुआ है, यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो कहना चाहता है। तो ये बात अल्लाह ताला से हो रही है। तो इसके अंदर जिसने ये पोएम लिखी है वो ये कहना चाहता है कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे दिल में भरी हुई हैं और मैं वो सब बातें अल्लाह ताला से करना चाहता हूँ। विद द लॉर्ड विल, विद द लॉर्ड विल, लॉर्ड कहते हैं रब को। द लॉर्ड विल, अल्लाह ताला की रज़ा के साथ, यानी अल्लाह की रज़ा के साथ। माई स्ट्रेंथ, माई हेल्थ एंड पॉकेट फुल। माई स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत को। माई हेल्थ, मेरी सेहत। एंड पॉकेट फुल, और जेबें भरी हुई हैं।
यानी ये जो लाइन है माई स्ट्रेंथ्स माई हेल्थ एंड पॉकेटफुल, ये वाली लाइन हमारी पीछे वाली लाइन के साथ जुड़ी हुई है विद द लॉर्ड विल के साथ, यानी कि अल्लाह ताला की रज़ा के साथ मेरी ताकत मेरी सेहत और मेरी जिबे भरी हुई है। जिबे भरी होने का मतलब है कि अल्लाह ताला की नेमतें जो हैं वो मेरे पास काफ़ी हैं, यानी कि मेरी ज़रूरत की हर चीज़ अल्लाह ताला ने मुझे प्रोवाइड कर दी है, मुझे दे दी है। नेक्स्ट हमने अपना सेकंड नंबर वाला स्टैंजा देखना है। जैसे मैंने आपको बताया था पीछे ऊपर वाली लाइन हमारा फर्स्ट स्टैंजा थी और नीचे वाली अब जो हमने लाइन जहाँ पे सर्कल आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये हमारा सेकंड स्टैंजा है। आप सब बच्चे अपने सेकंड स्टैंजा पे अपनी बुक के ऊपर फिंगर रखेंगे। फर्स्ट वर्ड है ब्लेस्ड। ब्लेस्ड का मतलब होता है अता किया। ब्लेस कहते हैं अता करने को। जब इसके आगे ईडी लग जाएगा तो ये पास्ट फॉर्म में चला जाएगा, यानी अता किया। ब्लेस्ड मीन अता किया। नेक्स्ट वर्ड है बर्थ। बर्थ मीन पैदाइश। अफोर्ड मीन ताकत रखना। नेक्स्ट वर्ड है टेस्टिफाई। टेस्टिफाई मीन गवाही देना। उसके बाद है प्रेज। प्रेज वर्ड है ये। प्रेज का मतलब है तारीफ करना। और लास्ट वर्ड है प्रीशियस। प्रीशियस मीन कीमती। अब हम स्टैंजा नंबर 2 की ट्रांसलेशन देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन है हमारे पास ही हैज़ ब्लेस्ड मी एवरी डे। ही हैज़ ब्लेस्ड इसका मतलब है उसने मुझे अता किया है। मी के संग मी का मतलब मुझे होगा। ही हैज़ ब्लेस्ड मी इसने मुझे अता किया है एवरी डे हर रोज़। इसने मुझे हर रोज़ अता किया है। नेक्स्ट लाइन है सिंस बर्थ टिल टुडे। सिंस बर्थ का मतलब है पैदाइश से लेकर, टिल टुडे आज तक, पैदाइश से लेकर आज तक। नेक्स्ट है थैंक यू लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब भी हमने पीछे वर्ड्स में एक से पढ़ा था। थैंक यू गॉड का जो मतलब होगा, थैंक यू लॉर्ड का भी वही मतलब होगा, क्योंकि गॉड और लॉर्ड हम लोग एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनका एक ही मतलब है। हम अल्लाह ताला के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इसका भी मतलब होगा अल्लाह तेरा शुक्रिया। नेक्स्ट वर्ड है कॉज नाउ आई कैन अफोर्ड। कॉज का मतलब होता है वजह। किसी चीज़ की जब हम वजह बयान करते हैं तो कॉज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कॉज नाउ यानी कि यही वजह है कि अब आई कैन मैं कर सकता हूँ अफोर्ड, यानी ताकत रखता हूँ या इस्तेताल रखता हूँ। मैं अब यही वजह है कि मैं अब ताकत रखता हूँ टू टेस्टिफाई एंड प्रेज यू। टू टेस्टिफाई गवाही देने की एंड प्रेज यू और आपकी तारीफ करने की। गवाही देने और आपकी तारीफ करने की। उसके बाद है प्रीशियस लव एंड टू ट्रू। प्रीशियस का मतलब अभी हमने लास्ट अपने वर्ड्स मीनिंग्स में भी पढ़ा था। प्रीशियस का मतलब है कीमती। लव मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होगा एंड ट्रू का मतलब होगा खलूस, कीमती मोहब्बत और खलूस। थैंक यू आपका शुक्रिया। चलें अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं और हमने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास हैवन। हैवन्स मीन आसमानों भी होता है और जन्नतों भी होता है। अभी हमने अपने पीछे नज़म में इसको एज अ आसमानों वर्ड के इस्तेमाल किया है, लेकिन हम क्या करेंगे कि जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हम दोनों में से कोई भी वर्ड लेके इसका सेंटेंस बना सकते हैं। तो हम हैवन्स का जुमला बनाएंगे आई लुक अप टुवर्ड्स हैवन। मैं ऊपर आसमानों की तरफ देखता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है बर्थ। बर्थ का मतलब होता है पैदाइश। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। आपकी तारीख पैदाइश क्या है। प्रेशियस। प्रेशियस का मतलब होता है कीमती। सिल्वर इज आ प्रेशियस मेटल। चांदी एक कीमती धातु है। नेक्स्ट वर्ड है वीप। वीप मीन रोना। प्लीज डू नॉट वीप। बराए मेहरबानी मत रोइए। नेक्स्ट वर्ड है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। इस चैप्टर में हम अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे थे, इसका मतलब होगा प्रेज का मतलब होगा तारीफ करना। वी शुड प्रेज अल्लाह। हमें अल्लाह ताला की तारीफ करनी चाहिए। इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर हमने ट्रांसलेशंस की हैं, वर्ड्स मीनिंग्स किए हैं, हमने ये देखा है कि स्टैंजा क्या चीज़ होती है। उसके अलावा हमने एक्सरसाइज में मौजूद सेंटेंसेस भी कवर कर लिए हैं। अगर किसी भी बच्चे को पूरे लेक्चर में से कोई भी बात समझ नहीं आई है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के आने तक आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, इसे लिख के देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।